ये है यहाँ रूल देख लीजिए उसका भाई बाबू मम्मी जा संतान फोन करती जा संतान देखो ना मैं वीडियो ना हमारे भैया पापा ने फोन करो मार ले लीजिए भाई गुर्री गुर्रा नहीं बता दे रहा है किसी को भाई गुर्री गुर्रा नहीं हां हां अब हां दस के मार ले भाई भाई अभी चलो यार तुम ना हो गए मार कर दो कर दे अभी तो तीन चार तो लगी है ना अभी आठ दस धारा लगवा रहे अभी तो हम चुपचाप बैठे एक महीना ना काउंटर बैठा लेना तो बाबू बाबा भाई भाई काउंटर बैठा लेना तो इधर से तोड़ना इधर से मार करके हमारा गुंडा गुंडागर्दी होता गुंडागर्दी नहीं क्या ऑर्डर थाने पे जाना कर दी वहाँ से ऑर्डर लेके मार गुंडा कर दी होता अम्मी बात करो अम्मी फोन फोन बात करो देख लो मामला न्यायालय में चल रहा है फिर ये लोग कानून हमारा घर गिरा रहे हैं ये देखिए हमारा मकान क्या नाम होगा आपका मेरा नाम सुनीता प्रजापति है और हम रेती चौक समारोह गोरखपुर के रहने वाले हूँ क्या समस्या हो गई आपके साथ तो समस्या ये हो गई कल कुछ गुंडे हमारे घर पे जबरदस्ती लोग कब्जा कर रहे हैं कुछ मुस्लिम लोग आ करके मेरे घर पे जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं वो लोग मेरे घर का घर को तोड़ फोड़ किए हैं लोग ईटा पत्थर चलाए हैं और सब्बल से और उससे छीनी हथौड़ी से सब मेरा दीवार घर का तोड़ दिए हैं हमको हमारे बच्चे को जो जान से जान से मारने के लोग धमकी देकर के चले गए हैं उसके बाद हमने मारते हैं और कई बार वो लोग हमला कर चुके हैं अब कई बार भी वो लोग आ चुके हैं इस तरह की धमकियाँ भी उन्होंने दिया है धमकी की कोई वजह भी है कुछ मामला है जो न्यायालय में चल रहा है जायदाद था वो रेंट एग्रीमेंट था उसका 11 महीने का जो कि अक्टूबर 22 में ख़त्म हो चुका है हम उसे दुकान खाली करवाना चाह रहे हैं फिर भी वो मेरी दुकान खाली नहीं कर रहा है वो ज़बरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है और ज़बरदस्ती कब्जा करके रहना चाहता है यहाँ पर अब बहुत से सारे लोग हैं कुछ नेता लोग हैं सब लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसको सहायता कर रहे हैं किरायानामा खत्म होने के बाद हाँ, किराया बराबर मिल रहा है नहीं सर किराया भी नहीं वो दे रहा है किराया नहीं मिल रहा कम से कम दो तीन साल से किराया नहीं दे रहा है
और उसका जो एग्रीमेंट खत्म हो गया अक्टूबर में, अक्टूबर 22 में खत्म हो गया उसका एग्रीमेंट। दुकान आपके पक्ष में है कि उसके पक्ष में? दुकान तो अभी उसने कब्जा करके रखा हुआ है, मैं उस मकान मालकिन हूँ उसकी, और किराएदार मुझे आए दिन धमकी देता है, और जो भी वारदात उसने किया हुआ है, कल सारा वीडियो बना हुआ है जो कि सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है वो सारी वीडियो, वहाँ पे विचाराधीन है। तो हम चाहते जब न्यायालय जो कहेगा उसको हम मानेंगे, पर ये लोग क्यों आखिर में मेरे घर में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, और दबंगाई को लेकर आ रहे हैं, वो अपने भाई को लेकर के आए जहरुल हक, जो अपने सारे भाइयों भतीजों को लेकर के आया है, आकर के मेरा दीवार तोड़ा है, और हमको हमारे बच्चों को मारने की धमकी दिया है, और कह रहा है तुमको झूठे मुकदमा फंसाएंगे, ऐसे ऐसे धमकियाँ दे रहा है। तो आपने ये सूचना जो है अपने नज़दीकी थाने में दिया है? हाँ सर, हमने सूचना जो तुरंत नज़दीक थाने में हमने दिया है, 112 नंबर फ़ोन किया हमने, और पुलिस भी वहाँ से आई है, पुलिस आई है उसको लेकर के गई है, और जब थाने पुलिस उसको लेकर के गई है तो तुरंत जो है इंस्पेक्टर साहब के रूम में चला गया है, फिर 10 मिनट के बाद इंस्पेक्टर साहब निकले हुए हैं बाहर, उसके पीछे पीछे वो भी निकल के चला गया आराम से। अगर उसने इस तरह का वारदात किया था, इस तरह घातक हमला हमारे बच्चों पर करता है, हमारे पर करता है, तो इंस्पेक्टर साहब को उसको 151 की धारा के अंदर उसको बैठाना चाहिए था ना, पर उन्होंने कुछ भी कार्रवाई उसके ऊपर नहीं किया है, और आराम से वो चला गया है। यह सूचना आपने और कहीं से दिया है ऊपर अधिकारियों को? हाँ सर, आज मेरी सूचना जब कोई मेरी सुनवाई वहाँ पर नहीं हुई है थाने पर, तो मैं वहाँ गई हूँ, आज बाबा का दरबार लगा हुआ था मंदिर के अंदर, मैं बाबा जी के दरबार में गई हूँ, मैंने वहाँ पर भी एप्लीकेशन दिया है। तो क्या कहें बाबा जी? बाबा जी कहें ठीक है, परेशान मत, कार्रवाई की जाएगी। किराएदार का नाम है इजहारुल हक, वो आया हुआ था, उसका भाई अमीरुल हक, और भाई जियाउल हक, और उसका भतीजा सोनू, आतिफ, और कुछ दो चार लोग और थे उसके साथ में, ये सब लोग आ करके मेरे घर पर हमले किए हैं, और वो अमीरुल हक और जियाउल हक भी आए थे, सब ये सब मिल करके पूरा मतलब पूरा मारने की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं मार देंगे तुमको, ये कर दे, अगर भविष्य में मेरे बच्चों को मुझे कुछ भी होता है तो सारी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के ऊपर होगी, और हम ये चाहते हैं कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और इनको अरेस्ट कर तुरंत चालान इनका किया जाए, न कभी कुछ भी वारदात कर सकते, क्योंकि मैं विधवा महिला हूँ, मैं एक लाचार हूँ, और मैं हर जगह गई मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रहा, हमेशा आकर के देखिए दबंगई करता है, अभी कुछ दिन पहले जो रात को 1:30 बजे रात को आया था मेरे घर, धमकी देकर के चक गया है वो।